नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों सभी के आंखों का काटा बनते चले जा रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि पहले शिक्षा विभाग यानी कि के पाठक वर्सेस शिक्षा मंत्री हुआ था, फिर आपको पता है कि के पाठक वर्सेस राज्यपाल भी हुआ, आपको मालूम है कि उसके बाद के पाठक वर्सेस शिक्षक संगठन भी हुआ, और अब जो ताजा मामला है वो हो गया है के पाठक वर्सेस बीपीएससी। देखिए, लेकिन आपको बता दें कि इन सबों के अलावा के पाठक किसी और को भी पसंद नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने भी धनाधन कई सारे ट्वीट्स किए हैं और के पाठक को खूब खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें कि इन ट्वीट्स को देखने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना माथा पकड़ लेंगे। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने इन ट्वीट्स में के पाठक पर जमकर विस्फोट किया है और खूब खरी खोटी भी सुनाई है। तो चलिए, अब आपको हम एक एक करके वो तमाम ट्वीट्स भी दिखाते हैं। देखिए, ये पहला ट्वीट है जो बीते दिन सुशील कुमार मोदी के तरफ से किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है के पाठक का नया फरमान। पहला, स्कूल के समय कोचिंग संस्थानों को बंद रखने और सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए आउटसोर्सिंग करने का आदेश तुगलकी फरमान है। दूसरा, शिक्षा विभाग स्कूलों में अच्छी पढ़ाई तो सुनिश्चित नहीं कर पाया और अब कोचिंग का सहारा भी छात्रों से छीन लेना चाहता है। तीसरा, कंप्यूटर शिक्षा के लिए आउटसोर्सिंग करने में ना कोई विज्ञापन निकाला गया और ना आरक्षण के नियमों का पालन किया गया। देखिए, आपको बता दें कि ये पहला ट्वीट था, ऐसे और दो ट्वीट सुशील कुमार मोदी ने और किए हैं। देखिए, ये दूसरा ट्वीट है जो आप देख रहे हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तुगलकी फरमान से विभाग लगातार विवादों में बना हुआ है और के पाठक को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है, आयोग के कामकाज में बाधा डाली जा रही है एवं आपत्ति करने पर विवेकहीन एवं मूर्खतापूर्ण जवाब दिया जा रहा है। देखिए, ये दूसरा ट्वीट है। आपको बता दें कि ऐसा एक और ट्वीट सुशील कुमार मोदी ने किया है। देखिए, ये तीसरा ट्वीट आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक्शन में के पाठक, टेंशन में सरकार, के पाठक दलित समुदाय से आने वाले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपमानित करने पर तुले हैं, के पाठक शिक्षा में बदहाली को लेकर जेडीयू को आईना दिखा रहे हैं, यदि के पाठक की कानून का डंडा चलाने वाली कार्यशैली ठीक है तो किसी विभाग में टिक क्यों नहीं पाए। चौथा, बिहार सरकार कब तक के पाठक को शिक्षा विभाग में रखकर सरकार की फजीहत कराती रहेगी। तो देखा आपने कि सुशील कुमार मोदी ने धनाधन ये सारे ट्वीट्स किए हैं और कड़े कड़े शब्दों में कई तंज कसे। देखिए, साफ साफ पूछ लिया है कि ऐसा कैसे चलेगा, साफ साफ कह दिया है कि अगर के पाठक इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं तो किसी भी विभाग में टिक क्यों नहीं पाए, और ये भी कह दिया है कि के पाठक अब जेडीयू को भी आईना दिखा रहे हैं। यानी कि सुशील कुमार मोदी तो गजब भड़क गए हैं के पाठक पर। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सुशील कुमार मोदी के इन ट्वीट्स ने बिहार का सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।